यहाँ पे जब रॉकेट पहुंचेगा तो इसके ऊपर दो तरह की ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रही होंगी। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी अर्थ जो इसके ऊपर लगाएगी, एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होगी जो सन इसके ऊपर लगाएगा। तो सन इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरह को, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन द रॉकेट वाय द सन, वो इस तरह को लगेगी, दैट इज डायरेक्शन इज टुवार्ड्स द सन। और ये जो अर्थ फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन रॉकेट वाय द अर्थ, अर्थ जो इसको इस तरह को अट्रैक्ट करेगी। अगर इसके ऊपर यहाँ पे रॉकेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर यहाँ पे जीरो होती है, इसका मतलब जो सन की अट्रैक्टिव फोर्स है और जो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दोनों आपस में बैलेंस कर जाएंगी। तो जो सन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल लगेगा, एफ आर एस, आर इज रिलेटेड विद द रॉकेट, एस इज विद द सन, वो बैलेंस कर जाएगी फोर्स ऑन रॉकेट वाय अर्थ। आर का मतलब रॉकेट और ई का मतलब अर्थ। इसको रीड ऐसे करते हैं, फोर्स ऑन द रॉकेट बाय द अर्थ, जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर होता है उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होती है, और ये सेकेंड वाला जो है इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। तो इसी तरह से फोर्स ऑन द रॉकेट वाय द सन, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फोर्सेस अगर बैलेंस करती हैं, मींस ये वाली इस तरह का पुल और इस तरह का पुल जो है वो इक्वल होता है, तो उस केस में जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी। मींस ये उसी तरह का एग्जांपल है जैसे मैंने इस तरह से, जैसे मान लो ये मार्कर ले लिया, इस तरफ से भी उतनी फोर्स से पुल करूं और इस तरफ से भी उतनी फोर्स से पुल करूं मैं इस तरह को, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। ना तो ये मार्कर इस तरह को मूव करेगा, ना ये मार्कर जो वो इस तरह को मूव करेगा, दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब अगर इसमें से ये फोर्स ज्यादा हो जाती है, मान लो ये फोर्स ज्यादा होगी, ये वाली फोर्स कम होगी, तो मार्कर इस तरह को मूव कर जाएगा। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाती है, ये कम हो जाती है, तो मार्कर जो वो इस तरह को मूव कर जाएगा। लेकिन इस केस में बोला हुआ है कि यहां पे रॉकेट के ऊपर ये जो फोर्स है वो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो जीरो है, तो हम इस फोर्स को हम लिख सकते हैं, हम यहां से कंसीडर करते हैं कि अर्थ से रॉकेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक्स है, और सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास स्मॉल आर के इक्वल है, तो ये सन और रॉकेट के बीच की डिस्टेंस रह जाएगी, टोटल आर में से एक्स माइनस कर देंगे, तो आर माइनस एक्स जो है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द रॉकेट एंड द सन। तो हम इसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके ये फोर्स को कैलकुलेट या लिख सकते हैं। फोर्स हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग होती है कैपिटल जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, मीन्स ये फोर्स होती है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मासिस, प्रोडक्ट ऑफ द मासिस मीन फर्स्ट प्लैनेट और सेकंड प्लैनेट के मासिस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट का स्क्वायर, तो इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होती है ये। तो अगर मैं सन के ऊपर रॉकेट के ऊपर सन की फोर्स लिखता हूं तो ये मेरे पास आती है कैपिटल जी मास ऑफ द सन इंटू मास ऑफ द रॉकेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द रॉकेट, और दैट डिस्टेंस इज आर माइनस एक्स का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू, अब हमें फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन द रॉकेट वाय द अर्थ, तो यह आ जाएगी कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द रॉकेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द रॉकेट, दैट इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज एक्स स्क्वेयर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहां बच जाएगा एम इंटू एस अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू एम ई अपॉन एक्स स्क्वेयर, जहां पे ये एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, एम एस जो वो मास ऑफ सन है। मैं इसको
इस टर्म को इस तरफ ले जाता हूं और ये जो एम ई जो है वो इसको मैं इस तरफ ले आता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसको हम फर्दर आगे लिख सकते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा एम एस अपॉन एम एस, एम ई इसके नीचे आ जाएगा, एम ई इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, इधर चला जाएगा आर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास एम एस अपॉन एम ई, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। इसको मैंने दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, आर माइनस एक्स का भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इट्स अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास यहां बच जाएगा एम एस अपॉन एम इंटू ई अंडर रूट इज इक्वल टू आर माइनस एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा। तो फर्दर इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा एम एस अपॉन एम ई अंडर रूट इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स माइनस ऑफ वन, मतलब x से इसको भी डिवाइड कर दिया और x से x से डिवाइड करा तो वन आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पे रह जाएगा इस टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा r अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन को इधर ले आता हूं वन प्लस एम एस अपॉन एम ई अंडर रूट। तो हमने मास ऑफ सन और मास ऑफ अर्थ जो है यहाँ पे लिखा था, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, मास ऑफ सन जो था वो मेरे पास गिवन था मास ऑफ सन, और दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज की पावर 30 केजी, और मास ऑफ अर्थ जो था दैट इज इक्वल टू, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 इज की पावर 24 केजी, और आर जो डिस्टेंस थी वो थी 1.5 इंटू 10 इज की पावर 11 मीटर। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इसमें तो मेरे पास आर अपॉन एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एम एस, मास ऑफ सन है 2 इंटू 10 इज की पावर 30 केजी डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10 इज की पावर 24 एंड इट्स अंडर रूट, तो 24 से ये कैंसल आउट तो 6 आ जाएगी पावर यहाँ पे, और 2 से ये कैंसल आउट तो 3 आ जाएगी, तो ये फर्दर बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस 10 एज की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 इट्स अंडर रूट, तो ये बन जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एज की पावर 6 बन जाएगा यहाँ पे 10 एज की पावर 3 इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो फर्दर हम इसको आगे कर सकते हैं, ये बन जाएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू यहां पे 1 लिख देते हैं तो यहां पे एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्लस 10 एज की पावर 3, तो r अपॉन x मेरे पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस 10 एज की पावर 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3, ये फर्दर आ जाएगा x अपॉन r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट 3 प्लस 10 एज की पावर 3, मतलब इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगी मेरे पास 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732 प्लस 1000, 10 एज की पावर 3 जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, तो x यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.732 डिवाइडेड बाय 1000 में से 1.732 प्लस करेंगे तो 1001.732 आ जाएगा इनटू r के इक्वल, इनटू r की डिस्टेंस हमें पता है
आर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आर की डिस्टेंस हमने अभी हमें पता है, दैट इज 1.5 × 10 इसकी पावर 11, तो एक्स आ जाएगा मेरे पास 1.732 × आर की डिस्टेंस है 1.5 × 10 इसकी पावर 11 डिवाइडेड बाय 1.732। तो ये फर्दर आ जाएगा मेरे पास, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.598 × 10 एज की पावर 11 डिवाइडेड बाय 1.732। इसको फर्दर जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.59 × 10 एज की पावर 8 मीटर। तो इस एक्स डिस्टेंस पे 2.59 × 10 एज की पावर 8 मीटर पे जाके ये रॉकेट जो वो बैलेंस हो जाएगा या नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो यहाँ पे जीरो हो जाएगी। इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा इस बच्चे द्वारा पूछा गया है। एक और प्रश्न हम करेंगे अभी। तो बच्चों आपका दूसरा प्रश्न जो ग्रेविटेशनल फील्ड से है प्लस वन का, वो ये है कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आप सब जानते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट तक जाती है और वापस आ जाती है, क्योंकि हमारी फेंकने की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है। यदि हम एक ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी से फेंके, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि 4 km/s की स्पीड से हम एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं, फायर करते हैं, तो कितनी हाइट तक जाएगा और फिर वो वापस आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक उसे अचीव करेगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए आपने ये देखना है सबसे पहले कि जो वेलोसिटी फायर करने वाली दी गई है वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हो, क्योंकि यदि वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी, फिर तो वो वापिस ही नहीं आ पाएगी कभी। इसलिए ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आपने यही एनालाइज करना है। हो सकता है मैं पूरा प्रश्न दे दूं और पूरे प्रश्न में आपको यहां पे 12 km/s दे दूं और सब कुछ यही पूछूं, बच्चे आप सॉल्व करने लगोगे बिना ये देखे कि यहां पे जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है। अब पॉइंट ये आता है कि ये वेलोसिटी है तो इससे फेंकेंगे कितनी हाइट तक जाएगा। यदि हम काइनेमैटिक्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, v²-u² = 2as, और उससे हम वो हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो वो तब अप्लाई करते हो जब a की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, which is equal to g, जो हम यहां पे यूज करते हैं। बट आपको जैसे पता है ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ा है आपने कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, और हमने काफी हाई वेलोसिटी से फायर किया है इसे, ये कोई स्मॉल वेलोसिटी नहीं है, जिसके कारण अर्थ की सरफेस से वो काफी हाइट तक जाएगी ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि जी की वैल्यू हर बार हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी। इसलिए आप काइनेमैटिक्स वाला सिंपल सा फॉर्मूला v²-u² = 2as यहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें a कांस्टेंट होता है, जबकि इस प्रॉब्लम में a की वैल्यू यानी कि जो आप g की तरह से यूज करते हो वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इसलिए आपको यहां पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए अब आप करोगे क्या, लाइक सपोज करिए ये हमारा अर्थ है, अर्थ की सरफेस से आपने 4 km/s की स्पीड से इसे ऑब्जेक्ट को फेंका जो इसकी वी बन गई। ये क्लियर हो गया कि ये वेलोसिटी जो है हमारी वी से कम है, यानी कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव नहीं कर सकता। लेकिन
ये काफी हाई वेलोसिटी है इसलिए काफी हाइट तक जाएगा, फिर वहां से वो वापिस आएगा। लाइक ये यहां से जाता है, सपोज यहां तक पहुंचता है, यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी फाइनली जो बन जाएगी वो जीरो हो जाएगी, यहां से वो वापिस आ जाएगा, ये उसकी हाइट बन गई जहां तक वो जाएगा। ये अर्थ के सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको यूज कैसे करोगे आप? अब जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां पे प्रोवाइड करवा रहे हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, बट हाइट बढ़ेगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट यहां हाइट थोड़ी सी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी आप एमजीएच ले लोगे, हाइट यहां पे बहुत ज्यादा आ रही है जिसके कारण जी की वैल्यू यहां पे कांस्टेंट नहीं रहती है। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते कि हाफ एमवी स्क्वायर इक्वल टू एमजीएच। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि ये चेंज कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी में। यहां पे तो आप सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालिए कि इस स्टेज पे सपोज ये ए पॉइंट है और सपोज ये बी पॉइंट है, इनमें जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमेशा आप फाइनल माइनस इनिशियल लेते हो, फाइनल का मतलब है बी यहां पे, इनिशियल का मतलब है ए। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है वो है माइनस जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, स्मॉल आर जो भी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बी पॉइंट पे भी आप डिस्टेंस लेते हो तो इट इज योर माइनस जी एम एम, स्मॉल एम इज द ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, अपॉन बी की डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज योर आर प्लस एच। आर ये भी है, ये टोटल डिस्टेंस है इसकी, माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी एम एम। ए पॉइंट की डिस्टेंस सिंपली सिर्फ आर है, इसको आपने सिंपलीफाई किया जी एम एम कॉमन ले लिया, वन अपॉन आर पॉजिटिव का है पहले लिख लिया, ये बाद में लिख लेते हैं। एलसीएम लीजिए इट बिकम्स योर आर प्लस एच माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एच, आर से आर कैंसल, जी एम एम एच नीचे एक आर था, ब्रैकेट वाले में से एक आर बाहर लीजिए तो स्क्वायर हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट में यहां पे वन रह जाएगा, यहां पे एच अपॉन आर हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में इस पार्ट को देखिए, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, चलिए मैं अलग से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है यानी कि स्मॉल जी है, इट मींस इट बिकम्स योर एम जी एच, एम एच पहले से है, जी आ गया प्रोडक्ट में, ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को फेंकने से ए और बी के बीच में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगेन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यूर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यूर एम जी एच वन प्लस एच अपॉन आर विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज द वेलोसिटी विद विच यू हैव थ्रोन द ऑब्जेक्ट विच इज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। एम तो चलो कैंसिल हो गया, टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया टू जी एच, वी स्क्वायर आप डिवाइड में ले जा सकते हो, हियर वन प्लस एच अपॉन आर, एच वाली टर्म से एक तरफ करिए उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करिए बेटर रहेगा आपके लिए, चाहे वी स्क्वायर को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए लाइक टू जी एच, वी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया आपने तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एच अपॉन आर। अब एच वाले पार्ट दो हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, इनको इकट्ठे करें यदि हम तो उसमें से एच को कॉमन ले सकते हो, मीन्स यदि ये इधर आता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स टू जी एच को कॉमन ले लेंगे माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर और एच कॉमन, इसको इस साइड लेके गए
और h को कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू v स्क्वायर। यहां से h निकालेंगे आप, v स्क्वायर अपॉन 2g माइनस v स्क्वायर अपॉन r। ये हाइट है जहां तक वो जाएगा। देखिए यदि आपकी वेलोसिटी बहुत कम होती है तो ये सिंपली यदि आप समझें तो v स्क्वायर अपॉन 2g होगा, क्योंकि उस केस में फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाली है। यदि मैं आपको करके दिखाऊं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v इज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज जीरो, u इज द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज गिवन टू यू 4 किलोमीटर पर आवर। 4, चलो मैं सिंपली v मान लेता हूं जो हमने यहां पर रिप्रेजेंटेशन लिया है। a की जगह g हो जाएगा, s की जगह h हो गया। तो यहां से यदि आप h निकालते हो और ये माइनस के साथ आएगा, तो यदि आप h निकालते हो इट इज योर v स्क्वायर अपॉन 2g, मींस दिस पार्ट ओनली। लेकिन क्योंकि यहां पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई है, उसके कारण आपके पास ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्योंकि g आपका कांस्टेंट नहीं रहता हमेशा, इसलिए आपका मॉडिफाई होगा। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। v इज योर 4 किलोमीटर पर सेकंड, मींस 4000 मीटर पर सेकंड। g इज योर 9.8, v इज योर अगेन 4000 अपॉन r, r इज योर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। हमने सब कुछ मीटर में लिया है, ऐसा यूनिट लिया है। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करिए आप। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो नियरली आता है आपके पास 9.35 10 टू द पावर 5 मीटर, मींस इट इज योर 935। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 935 किलोमीटर के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सिंपल काइनेमेटिक इक्वेशन से नहीं आएगी, इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पे फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया है, प्लस आपने यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना है जब ए से बी तक जाएगी ऑब्जेक्ट, और फिर उनको कंपेयर करके आपने सिंप्लीफाई करके आपने ये सॉल्यूशन किया। आप चाहें तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी याद करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस आपको मिल गए होंगे क्वेश्चंस के। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा शंका समाधान कार्यक्रम। शंका समाधान कार्यक्रम में हमने आपको पहले ही वीडियो लिंक दिया है, जिस पर आप सभी बच्चे अपनी शंकाओं के संदर्भ में वीडियो भेज सकते हैं। इसके अलावा विभाग की जो एक ईमेल आईडी है elearning.dschry@gmail.com, आप उस पर भी अपने वीडियोस भेज सकते हैं। वीडियो में आप अपने नाम के साथ साथ अपना विषय, कक्षा और प्रश्न भेजेंगे। वीडियो बनाते हुए ये ध्यान रखा जाए कि आपके द्वारा बोला गया प्रश्न स्पष्ट हो और वो सामने बिल्कुल समझ में आ जाए, ताकि आपके प्रश्न को हम शंका समाधान कार्यक्रम में शामिल कर सकें। बहुत से बच्चों द्वारा बार बार इंक्वायरीज आ रही हैं कि उनका प्रश्न शामिल नहीं किया गया, उनकी वजह है, और एक हमारे पास जो समय की अवधि की भी सीमा है जिसके कारण कई बार प्रश्न शामिल नहीं किया जाता। तो निश्चित तौर पर हम उस प्रश्न को अगले आगामी अंकों में लेंगे। तब तक के लिए अगले हफ्ते तक फिर मिलेंगे इसी समय शंका समाधान कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।